लाख लोगों का आज खाना बन के तैयार होता है। जी हाँ, हम खड़े हैं द्वारका में, यहाँ जो मंदिर परिसर है, मंदिर ही साथ में है, यहाँ पे ये खाना बनाया जाता है। बाकायदा देसी के साथ ये खाना तैयार होता है। जो हमारे हब्स होते हैं, चाहे लौंग हो, इलायची हो या दूसरे कोई आइटम, उन सब की रेसिपी के साथ खाना तैयार किया जाता है। आज डीएम साहब यहाँ मौके पे पहुँचे हैं जायजा लेने के लिए, तो उनसे जानेंगे कि कितने लोगों का यहाँ से पेट भरा जाता है, कितनी विधानसभाओं में यहाँ से खाना जाता है, और आगे जैसे कि बताया कि यहाँ मंदिर संचालन करने वाले अधिकारियों ने कि 3 से 4 हज़ार लोगों से ये व्यवस्था शुरू हुई थी, आज 1.5 लाख तक जा पहुँची है। तो डीएम साहब हमारे साथ हैं, जानेंगे कि कैसे रहेगा आगे का ये पूरा चीज़ें चलेंगी और कैसे बेहतरी से लोगों की भूख मिटा रहा है प्रशासन। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, जैसे जब प्रधानमंत्री जी ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन घोषित किया था, तो उसके बाद हम लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि जो लोग फंस गए हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनको किसी भी तरीके से भूखा नहीं रहना है, उनका ध्यान रखना है। और हम लोग लगातार लोगों को इस चीज़ पे इनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग ट्रैवल मत करिए और आप लोग जहाँ हैं वहीं रहिए, और हम आपको वहाँ खाने का इंतज़ाम कराएंगे और आपका जो रेंट है उसको भी माफ़ कराएंगे। तो इस काम के बाद हमको ये ज़रूरी था कि कैसे खाना पहुँचाया जाए, तो उसमें कुछ MTM सप्लायर्स थे पर उनसे हमारा पूरा नहीं हो पा रहा था। तो पीयूष जी जो कि ISKCON के यहाँ पे हेड करते हैं, उनको मैं पहले से जानता हूँ, उनको मैंने रिक्वेस्ट करी और वो खुद इस चीज़ के लिए सामने आए और उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी सोशल सर्विस है और इस तरह से ISKCON इसमें शामिल हुआ। और जब हम शुरू किया था इस काम को, तो पहले दिन यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 5 या 10 हज़ार को शुरू किया था, पर उसके बाद 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है साउथ वेस्ट ज़िले में, तो 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन, उनको कवर करने के लिए आज हम 1 लाख लोगों का खाना ISKCON की मदद से यहाँ पे हम दे पा रहे हैं। तो इसमें मैं ISKCON का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और जिस तरीके से हम लोग बहुत मन लगा के कर रहे हैं, तो हम सबकी कोशिश यही है कि हर एक आदमी जो भी भूखा है इस स्थिति में, उसको हम खाना ज़रूर पहुँचाएँ। हाँ डीएम साहब, देसी तड़का भी लग रहा है, देसी घी का तड़का भी है, कुछ हर्ब्स भी यूज की जा रही है कोरोना से फाइट करने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़े लोगों का, तो वो किस तरीके से? जी हाँ, क्योंकि जैसे आप जानते हैं इस बीमारी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए उनको डाइट मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पर खाना एकदम देसी घी से बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छे मसालों के साथ बन रहा है, तो इससे इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और लोगों को सेफ्टी भी मिलेगी और उनको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं मिलेगी। और मैं इसमें ISKCON का और एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा कि वो ये सारा काम सोशल सर्विस के तौर पे कर रहे हैं और उन्होंने हमसे कोई चार्ज नहीं किया है इस काम के लिए, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा।